हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे वीडियो सर्च में कैसे आती हैं, हमारी वीडियो को कैसे सर्च में लाएं ताकि वो हमारा वीडियो सर्च में आ जाए। तो इसके लिए हमें कैसे पता करें कि कौन सा टैग हमारा रैंक कर रहा है या हमारा चैनल किस चीज़ में ज़्यादातर रैंक हो रहा है, मतलब हमारा चैनल किस चीज़ मतलब किस नाम से सर्च करते हैं तो ज़्यादातर सर्च में आ रहा है, या हमारी वीडियो में कौन से हम टैग डालें ताकि वो हमारा वीडियो सर्च में आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले मैं दिखा दूं मेरा वीडियो सर्च में आता है तो मेरा तो आता ही वीडियो सर्च में, मैं दिखा दूं। जैसे मैं यूट्यूब पर मेरा वीडियो सर्च या टेक्निकल कुलदीप नाम डालूंगा तो मेरे सारी वीडियो आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर मेरा जो वीडियो अपलोड किया अभी कि कॉलम लाइव कैसे करते हैं, इसको मैं सर्च करूँगा तो ये देख लीजिए दो नंबर पर आ रही है, आपको दिख रहा है, ये देख लीजिए दो नंबर पर आ रही है, आपको यहाँ पर दिख रही है दो नंबर पर, ये देखो। तो ये वीडियो मेरा दो नंबर पर आ रहा है, पर ये किस प्रकार आता है, कैसे सर्च में आता है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी। आप अपने वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन से देख सकते हो कि हमारे चैनल किस टॉपिक में ज़्यादा सर्च में आ रहा है और हमारा वीडियो किस प्रकार सर्च में आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना, अपना वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना और आपको मैं बताऊँ ये टैग आप ज़रूर डालना, आपका वीडियो पक्का सर्च में आएगा। तो वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है, ओपन करो वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको देख लीजिए नीचे ऑप्शन दिख रहा है व्यू मोर, आपको यहाँ पर व्यू मोर दिख रहा है, बस आपको इस पर टिक कर देना है। यहाँ पर टिक करोगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको थोड़ा डिस्कवरी दिखाई दे रहा है, आपको नाम यहाँ पर देख लीजिए डिस्कवरी नाम दिख रहा है यहाँ पर, बस इस पर आपको कर देना है टिक। डिस्कवरी पर आप टिक करोगे तो नीचे आएगा ऑप्शन, देख लीजिएगा आपको यूट्यूब सर्च, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यूट्यूब में सर्च में आपके चैनल में कौन से वीडियो सर्च में आ रही हैं, तो बस आपको इस पर टिक कर देना है। इस पर आप टिक करोगे तो आपको देख लीजिए 28 दिनों में दिखाई दे रहा है कि 28 दिनों के, और यहाँ पर आपको 7 दिन कर देना है, मतलब 7 दिन यहाँ पर आप 7 दिन कर लेना, और 7 दिन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से टैग कौन से नाम आपके सर्च में आ रहे। देख लीजिए टेक्निकल कुलदीप 8% और एक फ़ोटो से वीडियो बने 2%, फ़ोटो से वीडियो 1%, मतलब ये सर्च में आ रहे जितने भी, जैसे आपके ऊपर के जो कमेंट है ना, जो ऊपर के टैग, जो मतलब 4-5 टैग हर वीडियो में लगा दिया करो ताकि आपका वीडियो भी सर्च में आए, ठीक है। और अब बताता हूँ वीडियो में हमें कैसा पता चले कि हमारे वीडियो में कौन से वीडियो में कौन सा टैग रैंक कर रहा है, इसके लिए आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए नीचे में ये जो हमारे दिख रही है ना वीडियो, यहाँ पर देख लीजिए व्यू मोर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर कर देते हैं टिक, इस पर हम टिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर सभी वीडियो आ गए, ठीक है। अब देख लीजिए मैं टिकटॉक में यूट्यूब का लिंक कैसे ऐड करें, इस पर मैं टिक करता हूँ और देखता हूँ इसके वीडियो के अंदर के कौन से टैग रैंक कर रही है। तो नीचे का ऑप्शन आ रहा है गो टू वीडियो, बस आपको यहाँ पर कर देना है टिक, यहाँ पर आप टिक करोगे तो यहाँ पर डिस्कवरी दिखाई दे रही है, इस पर आपको कर देना है टिक, यहाँ पर आप टिक करोगे तो नीचे आ रहा है यूट्यूब सर्च, इस पर आपको कर देना है टिक, इस पर आप टिक करोगे तो बता दिया अभी आपका वीडियो 28 दिनों के अंदर टिकटॉक पर व्यूज कैसे बढ़ाई है, 19% आ रहा है और टेक्निकल कुलदीप के नाम से 7% सर्च में आ रहा है और अदर नाम से 72% सर्च में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों टैग आपको पता चल गया, ये दोनों टैग अपने वीडियो के अंदर लगा लिया करो ताकि आपका वीडियो सर्च में आए, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। तो आपको क्या करना है, ये टैग और वो टैग अपने हर वीडियो में डाल दिया करो ताकि आपका वीडियो सर्च में आए, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।